हाय फ्रेंड्स, मधुस फूड फन हेल्थ में आज मैं बनाने जा रही हूँ गट्टे, जिसमें कुछ नहीं डालेंगे, कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं, प्याज और टमाटर तक नहीं डालेगा। तो उसके लिए मैंने उठा लिया है आधा कप बेसन, उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, साथ में थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा हल्दी, बहुत ही थोड़ा, पिंच भर हल्दी, और अजवाइन उंगलियों से ही मैं क्रश कर रही हूँ ताकि उसका फ्लेवर अच्छा हो जाए, बहुत थोड़ा, और हरी मिर्ची छोटा छोटा चॉप करके, और ये बस इतना सा सोडा, ये देखिए मीठा सोडा है खाने वाला, इसको डालने से हमारे गट्टे बड़े सॉफ्ट बनेंगे। इन सबको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। अब इसको हम थोड़ा सा गूंद लेंगे, लेकिन थोड़ा मोयन डालेंगे, मतलब कि कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल मैं डाल रही हूँ, इसमें एक टेबलस्पून आपका कुकिंग ऑयल लगेगा। थोड़ा थोड़ा करके डाला, पहले मैंने 3/4 डाला टेबलस्पून, फिर थोड़ा सा और डाल दिया, तो ये एक टेबलस्पून लगा हमारा ऑयल, और बाकी पानी, पानी भी समझिए मुश्किल से 2 टेबलस्पून आपका लगेगा, बस थोड़ा थोड़ा डालते जाइए। इसको हमें हार्ड गूंदना है, आटा जो गूंदते हैं ना, आटा सॉफ्ट होता है, उससे थोड़ा सा हार्ड गूंदेगा ये, तो इसीलिए पानी जो है बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। ज़्यादा डाल देंगे तो वो फिर आपका ठीक से गट्टे बनेंगे नहीं, फिर वो फैल जाएंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से, मैं इसीलिए इसको प्रॉपरली दिखाने के लिए आटे की प्रोसेस को पूरा दिखा रही हूँ, बिकॉज यही इसमें सबसे बड़ा जो काम है वो यही है, बाकी तो कुछ है ही नहीं उसमें बनाना। अगर आपका ये गट्टे का आटा ठीक बन गया तो आपकी सब्ज़ी बहुत फटाफट तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से रहेगा, सॉफ्ट भी लेकिन हार्ड भी, इट्स नॉट समथिंग जो आपके हाथ पे चिपकेगा। चलिए अब इसको ज़रा रोल कर लेते हैं। मैंने इसके 3 पोर्शंस ले लिए, अब इसको राउंड शेप देके, बस जिस तरीके से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, इसको फ्लैट कर लीजिए। तो इस तरीके से कुछ बनेंगे, बाद में हम इनको जब बॉयल हो जाएंगे तो हम इनको कट करेंगे, फिलहाल हम साबुत साबुत इस तरीके से रखते जाते हैं। बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी है दोस्तों, बस जो टाइम लग रहा है ना वो इन्हीं कामों में लग रहा है, आपका आटा गूंदना और ये रोल करना, और जो गट्टे बॉयल होंगे 5-7 मिनट बॉयल करने में लगेंगे, उसके अलावा सब्ज़ी बनाने में तो मुश्किल से 5 मिनट लगने हैं आपको। तो ये हो गया आपका गट्टे, पानी मैंने बॉयल कर लिया, जब बिल्कुल खौलता हुआ पानी हो जाए तब इनको आप बेसन के गट्टों को उसके अंदर डाल दीजिए। अब आप अभी देखिए ये क्योंकि हैवी वेट है ना बेसन के गट्टों का, तो ये जाके नीचे तले पे बैठ गए पानी में। अब जैसे जैसे ये पकते जाएंगे ये उठ के ऊपर आते जाएंगे, देख रहे हैं आप, ये देखिए ये धीरे धीरे करके ऊपर उठ रहे हैं। तो बस इसको लगेंगे कोई 7-8 मिनट लगेंगे बॉईल होने में, तो ये अपने आप ही ऊपर बिल्कुल तैरने लगेंगे। तो ये बस गैस बंद कर दी मैंने और इसको निकाल लेते हैं, इस पानी को हम वेस्ट नहीं करेंगे। ये है ना कुछ, देखिए इस तरीके से पानी को हम उतार के दूसरे पैन में रख देते हैं, थोड़ा सा पानी हमें लगेगा बाद में वो इसी से ले लेंगे। अब इसी कढ़ाई में मैंने ले लिया तेल, 1 टेबलस्पून सिर्फ मैंने लिया है ऑयल, अब इसमें गई पतली राई, 1 टीस्पून पतली राई। अब जैसे ही पॉप होती है थोड़ी सी मैंने हरी मिर्ची, आप चाहें तो छोटी छोटी चॉप करके भी डाल दीजिए, मैंने टुकड़े करके डाल दिया है, और ये गया कड़ी पत्ता, थोड़ा ढक्कन लगा देती हूँ क्योंकि पॉप कर रहा है, और ये गई हींग, चुटकी भर हींग, लाल मिर्ची पाउडर अपने स्वाद के अनुसार, आप जितना तीखा खाते हो, थोड़ा सा हल्दी पाउडर मुश्किल से 1/4 टीस्पून, और ये धनिया पाउडर 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाल दिया, और थोड़ा सा नमक। तो बस देखिए हमारे मसाले तैयार हैं, इसको थोड़ा मिक्स दे देते हैं, और अब इसमें क्या जाने वाला है, जी हाँ दही जाने वाली है। ये 1 कप के करीब मैं डाल रही हूँ इसमें दही,
तो अब आपको समझ आ ही गया होगा ना, अदरक ना लहसुन ना प्याज ना टमाटर के बगैर कैसे ग्रेवी बनती है भाई, ऐसे बनती है। तो एक तरीके से हम लोग गट्टे की कढ़ी बना रहे हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिया, इतनी स्वादिष्ट बनती है ना ये सब्ज़ी कि सब लोग हाथ चाट के खाते हैं। अगर देखो रोटी के साथ खाना है तो बस पानी ऐड ही मत करना, इसी तरीके से उसको थोड़ा सा मिक्स करके खा लो। और अगर आपको चावल के साथ खाना है जैसे हमें खाना है, तो हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर रहे हैं और इसको 2-3 मिनट के लिए मैं रख दूँगी ढक्कन लगा के लो फ्लेम पे अच्छे से मेल खाने के लिए। बस ये देखिए, ये बन गए हमारे गट्टे, अच्छे से मिक्स हो गया हमारा फर्स्ट क्लास। तो चलो ऊपर से डाल देते हैं धनिया पत्ता, धनिया पत्ता के बगैर तो हमारी डिश तैयार कहाँ होती है ना। तो चलो बस खाते हैं।